आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं, 1000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। ये सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिवराज सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपको जो भी अधिकार दिए थे, आपको सशक्त बनाने के लिए जो भी काम किए थे, बीजेपी के सत्ता में आने पर वो सब आपसे छीन लिए गए। काम कर दिया गया, मनरेगा लागू नहीं की गई, गांव में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पलायन बढ़ गया है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जाता है, जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। प्रियंका गांधी ने संबोधन के आखिर में जनता के लिए दी जा रही गारंटी बताई, जिसमें किसान कर्ज माफी, पढ़ो और पढ़ाओ योजना, जिसमें 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क होगी, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए और कक्षा 9 से 10 के छात्रों को 1000 रुपए और कक्षा 11वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट हाफ रहेगी। प्रियंका ने कहा कि हम यहां पर जो वादे कर रहे हैं वो घोषणाएं नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे। आप ये भी देखिएगा कि जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हमने ये किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि आपने वायरल वीडियो देखे होंगे, देश में लड़कियों के लापता होने के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से आने लगे हैं। 1.5 लाख महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। उनके शासन में हर रोज 17 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही होगी। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, यहाँ हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। जरा सुनिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान और भी क्या कुछ कहा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनको, उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है, उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है।
तो जब अगली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है। माँ नर्मदा में घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? तो वहीं यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका गांधी के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रियंका जी, आप मंडला आ रही हैं, आदिवासी जिला है, आप जवाब दे बैगा, भारिया सहरिया जाति की पिछड़ी बहनों को मैं 1,000 रुपए देता था, कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार ने वे क्यों बंद किए, आदिवासी बहने जवाब मांग रही है, मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधा को समाप्त करने का अपराध आपने क्यों किया, प्रियंका जी जवाब तो देना होगा। क्या प्रियंका जी पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश में फिर झूठ की गारंटी देने आ रही है? आपको जवाब तो देना होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।